फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन प्राइमरी सेल वॉल द वन विच इज अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर इज, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेलुलोज, सेकंड हमारे पास है हेमी सेलुलोज, थर्ड हमारे पास है पैक्टिन एंड लास्ट वन इज लिग्निन। तो सेल वॉल में जो होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में सेलुलोज अरेंज होते हैं। ये हमारे पास डायाग्राम है जिसमें हमारे पास सेलुलोज के मॉलिक्यूल क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फर्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सेकंड हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, थर्ड हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड लास्ट वन इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो रही होती है ये हमारे पास होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये हमारे पास डायाग्राम है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का फिनोमेनन हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास, इट इज एग्जांपल ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड हमारे पास है गॉल्जी एपरेटस, थर्ड हमारे पास है राइबोसोम एंड लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया, जो है ये हमारे पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल में पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट भी बेसिकली सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं लेकिन ये सिर्फ एनिमल, बेसिकली ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट आर लोकेटेड इन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है हमारे पास साइटोप्लाज्म, थर्ड हमारे पास है पेरिफेरल एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस, लास्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है चार्ली, पेरिफेरल एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस में हमारे पास होते हैं प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्टिव मटेरियल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन वापस है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड वापस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, थर्ड वापस है फैगोसाइटोसिस एंड लास्ट वापस आ जाते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये वापस बी सी एंड डेल्टा जो थे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जबकि अल्फा जो थे अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये वापस होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें एटीपी यूज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन ममेलियन सेल टू द टोटल सेलुलर वेट इज। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 4%, सेकंड हमारे पास है 3%, थर्ड हमारे पास 1.1% एंड लास्ट हमारे पास 0.25%। तो ममेलियन सेल में टोटल परसेंटेज ऑफ डीएनए जो होती हैं वो हमारे पास होती है 0.2%। ये हमारे पास टेबल है जिसमें वहाँ पास इकोलाई सेल का कंपेयर किया गया है ममेलियन सेल का। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कीटो शुगर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड, सेकंड हमारे पास है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, थर्ड हमारे पास है राइबोज, लास्ट है हमारे पास ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो है ये अल्डो शुगर है जबकि ग्लाइसरल्डिहाइड भी अल्डिहाइड है जबकि डी हाइड्रोक्सी एसीटोन ये हमारे पास है कीटो शुगर की एग्जाम्पल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन वापस है लोअर पोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड, सेकंड वापस हाई प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड, थर्ड वापस है हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड लास्ट वन इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो लिपिड में वापस जो होते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि लिपिड में वापस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है वापस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इन कीटो शुगर इज डिवॉइड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन वापस से कार्बन वन, सेकंड वापस से कार्बन टू, थर्ड वापस कार्बन थ्री एंड लास्ट वन इज बोथ कार्बन वन एंड थ्री। तो कीटो शुगर जितने भी होते हैं उनमें वापस कार्बन नंबर टू में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता बल्कि उनमें वापस कीटो ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन वापस है क्लस्टर, सेकंड वापस है स्फेरिकल और कर्ल्ड अप, थर्ड वापस है फ्लैट एंड कॉइल चेन एंड लास्ट वापस आ जाते हैं लॉन्ग स्टैंड और फाइब्रिल। तो इसका सही ऑप्शन वापस है डेल्टा, लॉन्ग स्टैंड में वापस जाते हैं फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। ये वापस डायग्राम है फाइब्रस प्रोटीन की। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सब यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन वापस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड वापस है नाइट्रोजिनस बेस, थर्ड वापस आ जाते हैं फॉस्फोन एंड लास्ट वापस आ जाते हैं कोलीन। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें वापस तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक वापस नाइट्रोजिनस बेस होती है, सेकंड वापस फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जबकि थर्ड वापस होते हैं हाइड्रोक्सिल बॉन्ड।
OH. तो कोलीन जो होते हैं ये हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं होता, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड की बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है, शुगर है और फॉस्फेट बॉन्ड है. नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजन. फर्स्ट ऑप्शन में वापस वन, सेकंड वापस है टू, थर्ड वापस है जैसे थ्री एंड लास्ट वन वापस है जीरो. तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो होते हैं इसमें वापस दो रीजन होते हैं, एक वापस होते हैं बाइंडिंग साइट जबकि दूसरी वापस होती है कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट जो होते हैं बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट को जबकि कैटालिटिक साइट जो होते हैं रिड्यूस करते हैं केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी को. नेक्स्ट एमसीक्यू वापस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सैनिक डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइज रिएक्शन. फर्स्ट ऑप्शन वापस है सक्सैनिक एसिड, सेकेंड वापस है मिलोनिक एसिड, थर्ड वापस आ जाते हैं फ्यूमेरिक एसिड एंड लास्ट वन में वापस आ जाते हैं सिट्रिक एसिड. तो प्रोडक्ट ऑफ सक्सैनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होगा वो वापस होगा फ्यूमेरिक एसिड, जो होगा सक्सैनिक एसिड से वापस फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा. ये बेसिकली रिएक्शन हो जाता है जिसमें वापस सक्सैनेट कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूमरेट में. नेक्स्ट एमसीक्यू से वापस दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट. फर्स्ट ऑप्शन वापस है एक्टिव साइट, सेकेंड वापस है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, थर्ड वापस है रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड लास्ट वन वापस आ जाता है कोफैक्टर. कोफैक्टर का बेसिकली रोल होता है एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास है इट एक्ट अ केमिकल लिंकेज बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. फर्स्ट वापस आ जाते हैं FADH2, सेकेंड वापस है NAD+, सेकेंड थर्ड वापस आ जाते हैं साइटोक्रोम एंड लास्ट वापस आ जाते हैं ATP. तो इसका सही ऑप्शन वापस है डेल्टा. ATP जो है ये एक्ट कर रहा होता है केमिकल लिंकेज बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट ऑप्शन वापस है हाइड्रोफिलिक रीजन, सेकंड वापस है टेल पोर्शन, थर्ड वापस आ जाते हैं फाइटोल्स एंड लास्ट वापस आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक एंड. सो इसका सही ऑप्शन वापस आ जाते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन में वापस होते हैं नाइट्रोजन होते हैं. ये वापस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट एमसीक्यू वापस आ जाते हैं फंक्शनल यूनिट और ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल बी इज. फर्स्ट ऑप्शन वापस आ जाते हैं CH3, सेकंड वापस आ जाते हैं CHO, लास्ट वापस आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल. सो इसका सही ऑप्शन वापस आ जाते हैं CH3. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है हाउ मेनी प्रोटॉन आर रिक्वायर्ड टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट ऑप्शन में वापस है वन, सेकंड वापस आ जाते हैं टू, थर्ड वापस आ जाते हैं थ्री एंड लास्ट वन वापस आ जाते हैं फोर. तो एक इलेक्ट्रॉन को हमारे पास जो है एक प्रोटॉन एक्साइट हो रहा होता है. तो इसका सही ऑप्शन वापस है वन. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जनरेट मोर नंबर ऑफ प्रोड्यूस NAD. फर्स्ट ऑप्शन वापस है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वापस है लिंक रिएक्शन, थर्ड वापस आ जाते हैं क्रैब साइकिल एंड लास्ट वन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो क्रैब साइकिल में वापस जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रिड्यूस NADH प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. सी ऑप्शन इज राइट एंड लास्ट वन MCQs इज बोथ ATP प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज द फीचर ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन वापस आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वापस है क्रैब साइकिल, थर्ड वापस आ जाते हैं लिंक रिएक्शन एंड लास्ट वापस आ जाते हैं ATC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ग्लाइकोलिसिस में वापस ATP बन भी रहे होते हैं और कंज्यूम भी हो रहे होते हैं. ये वापस ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.